हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और मैं आज बात करूंगा टैलेंट के बारे में, अपना टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। सो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि टैलेंट क्या है। टैलेंट मीन्स इट्स अ नेचुरल एबिलिटी, कोई भी काम कि जो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसी को हम टैलेंट बोलते हैं। और ये टैलेंट कैसे बनता है आपको पता है? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और जो न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन होता है, अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो कनेक्शन अगर बहुत स्ट्रांग होता है, वही एक्टिविटी हम अच्छे से कर पाते हैं और उसी को हम टैलेंट बोलते हैं। इट्स अ नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो दोस्तों, हम सब ने अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो हम उसको नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अभी देखते हैं कि पैशन और टैलेंट में क्या डिफरेंस है। टैलेंट मीन्स एनी एक्टिविटी विच यू आर गुड एट, नेचुरली यू कैन डू दैट वेरी वेल। एंड पैशन इज यू लव डूइंग दैट, आपको वो करने में मज़ा आता है वो एक्टिविटी, उसी को हम पैशन बोलते हैं। अगर हम टैलेंट और पैशन को कंबाइन कर दें अलॉन्ग विथ नॉलेज एंड स्किल, ये सब मिला के अपनी एक स्ट्रेंथ बनती है और हम सब ने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही काम करना चाहिए। अगर आप देखोगे किसी भी फील्ड में, या मिलेनियर देखो या बिलेनियर देखो या सीईओस देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, दे ऑल आर वर्किंग ऑन देयर टैलेंट एंड देयर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अपना टैलेंट हम कैसे पहचान सकते हैं और उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी जो बेस्ट एक्टिविटी है उसको पहचानना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एक्टिविटीज है जो हम करते हैं वो बैड एक्टिविटीज़ होती है, गुड एक्टिविटीज़ होती है और बेस्ट एक्टिविटीज़ होती है। मतलब कि जो एक्टिविटीज़ हमें करने में बहुत मज़ा आता है वो हम उसको ही करना है, उसको छोड़ के कुछ नहीं करना है, उसको हम बेस्ट एक्टिविटीज़ हम बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा ऐसा काम है या एक्टिविटी है जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है। सेकेंड है, आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। कोई भी काम जो आप कर रहे हो उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी इसका मतलब कि आप आपके टैलेंट पे काम कर रहे हो ऐसा होता है। और बहुत सारे क्लू है जिससे हम अपना टैलेंट पहचानते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल, मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे बुक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, सो आई ऑल्सो राइट ब्लॉग्स। तो ये मेरा अभी तक बेस्ट नहीं हुआ है, दीज आर माई गुड एक्टिविटीज़, नाउ आई एम डेवलपिंग देम, आई एम वर्किंग ऑन देम बिकॉज आई एम गिविंग द टाइम टू ऑल दीज एक्टिविटीज़, सो आफ्टर फ्यू टाइम आई विल बिकम बेस्ट एट इट। तो वही आपको करना है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आपको अभी अच्छी लग रही है करने का, उसको आप टाइम दे के डेवलप करना है और उसको बेस्ट बनाना है। और सेटिस्फैक्शन आपको वो करने के बाद सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। और ये होता है कि जब आप कोई भी आपका ड्रीम होता है या सपना होता है जो आपको अचीव करना है, तो आपको करने में बहुत एनर्जी फील होती है। अगर कोई काम आपको कर रहे हो उसको करने के बाद अगर आप में एनर्जी आती है, आपको ऐसा एंथुजियास्टिक फील होता है, उसका मतलब वो आपका टैलेंट है। ये भी एक क्लू होता है। और एक और लास्ट क्लू मैं आपको बताता हूँ, लर्निंग। व्हेन वी क्विकली लर्न द स्टेप्स इन पर्टिकुलर एक्टिविटी और कोई भी जॉब हम जो लेते हैं, अगर उसका स्टेप्स हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसका मतलब कि वो हमारा टैलेंट है। सो लर्निंग क्विकली इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लू फॉर आइडेंटिफाइंग योर टैलेंट। तो दोस्तों, ये जो टिप्स मैंने बताई है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपना टैलेंट जो है उसको आप पहचानिए और उसी के ऊपर काम कीजिए और उसको डेवलप कीजिए, ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके और आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको, उसके ऊपर आप पहुंच सको, काम कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक कीजिए और पढ़िए मेरे ब्लॉग्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।